नागौर जिले के सदर थाना पुलिस ने गोगेलाव गांव के पास नाकाबंदी के दौरान ट्रक से डोडा चूरा बरामद किया है। ट्रक की तलाशी लेने पर लगभग 8 क्विंटल डोडा पोस्ट चूरा बरामद कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। वहीं ट्रक को इकोट कर रही कार में सवार दो युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों से पूछताछ जारी है। आज थाने पे मुखबिर से इतला मिली थी कि एक कोई अशोक लीलैंड ट्रक है RJ21GA4842 नंबर का, उसमें जो पशु आहार के कट्टे हैं उनके बीच में अवैध रूप से डोडा पोस्ट के कट्टे रखकर परिवहन करके लाया जा रहा है। इस सूचना पे मैं जाब्ते के साथ में मौके पे NH-89 पे गोगलाव के पास में पहुंचा और नाकाबंदी शुरू की। तो मुखबिर के इतला के इस अनुसार पहले वहां पर एक एस्कॉर्ट कार आती है, स्विफ्ट गाड़ी, जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे। उन व्यक्तियों को रोक के पूछा तो उन्होंने अपना नाम राजेंद्र प्रसाद जाट निवासी भोजास थाना पांचोड़ी, और दूसरा जो उसके साथ में था उसका नाम बाबूनाथ सनोक मोहन नाथ जाति सिद्ध निवासी चितणा थाना पांचू बीकानेर जिले के थे वो। और उक्त व्यक्ति जो गाड़ी जिसकी एस्कॉर्ट कर रहे थे वो इनके पीछे पीछे ट्रक आ रहा था, अशोक लीलैंड ट्रक, उसको रुकवा कर पूछा। उसमें जो ट्रक चालक था उसका नाम धन्नाराम सनोफ शुगनाराम नाई निवासी चितणा थाना पांचू और बीकानेर। उसमें जो ट्रक को रोक कर उसमें मौतवीर के समक्ष तलाशी ली गई तो उसमें जो पशु आहार के जो कट्टे 220 भरे हुए थे उनके बीच में छुपा कर कुल 45 जो कट्टे थे वो अवैध डोडा पोस्ट के चूरे के भरे हुए थे, जिनका वजन किया गया तो कुल 790 किलो वजन डोडा चूरा के ये पाए गए थे, जिस पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उन तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उक्त डोडा चूरा जो है भवानी मंडी झालावाड़ से भरकर इस ट्रक के माध्यम से यहाँ नागौर लाया जा रहा था और नागौर से फिर आगे फर्दर छोटी छोटी क्वांटिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका प्लान था। इसमें किसी और बड़े तस्कर का नाम आ रहा है क्या? फिलहाल तो अभी किसी तस्कर का नाम नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन आगे उसमें जैसे भी होगी उसमें जिसका भी नाम आएगा उस निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर नेशनल हाईवे 9 पर बागवत के गांव सिकोड़ा के रहने वाले हरवीर अपने परिवार के साथ अमरोहा के वासुदेव तीर्थ के दर्शन करने मैजिक से वापस लौट रहे थे। अभी रास्ते में गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट पुलिस चौकी पर तेज गति से आ रही इको कार यात्रियों से भरी मैजिक से जा टकराई, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल मच गया और मैजिक में पीछे बैठे कई महिलाएं बच्चे पुरुष घायल हो गए। नाम है भाई? शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन, क्या मामला है पूरा? गाड़ी लेफ्ट, एक आल्टो वाला फिर आगे चल रहा था, हमने राइट दबाई, राइट दबा के एकदम लेफ्ट दबा ली, ब्रेक मारे, ब्रेक में कंट्रोल हो गया। किस चीज़ से हुई है ये एक्सीडेंट? जो आल्टो आ रही थी फिर आगे, आल्टो वाले ने इंडिकेटर राइट कर दिया, अच्छी खासी स्पीड में दोनों गाड़ियाँ थी। तो इसमें कुछ लोग घायल भी हुए? नहीं, कम छोटे में थी। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है क्या मामला सर? एक गाड़ी ब्रेक मार से गंगा स्नान करके आ रहे थे, एक संभावित साइड आ रही थी। अच्छा, तो इसमें कितने लोग घायल हुए थे? घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया।